शहीद जवानों को नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। पाकिस्तान का झंडा पुतला जलाकर किया गया विरोध प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले देश के वीर जवानों को जनपद जालौन में आज सभी धर्मों के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें सभी धर्मों के धर्मगुरु मौजूद रहे और वीर जवानों को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना अरदास व दुआ मांगी गई। इस मौके पर सभी लोगों ने एक स्वर में इस आतंकी हमले की निंदा करने के साथ ही आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही पाकिस्तान के झंडे पुतले जलाते हुए पाकिस्तान मुर्दा के नारे लगाए गए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुमे की नमाज अदा करने के बाद पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो वहीं युवाओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जालौन नगर में सेठ वीरेंद्र कुमार महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने पाकिस्तान मुर्दाबाद वंदे मातरम के नारे लगाते हुए झंडा चौराहे पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं जनपद जालौन के कुठौन में युवाओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाया और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये नज़ारा जनपद में कई जगह देखने को मिला। हुकूमत को ऐसे लोगों से बदला लिया जाए, और मैं ये भी कहता हूँ कि उनके परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ, उनको अमन से पूरे हिंदुस्तान में बना रहे, बाकी रहे। और मुझे बेपनाह अफसोस है, और मैं अफसोस जाहिर करता हूँ, मेरा पर चले तो मैं खुद ऐसे लोगों को सदा अपने हाथों से दूँ, लेकिन ये काम हुकूमत का है। मैं चाहता हूँ, हुकूमत से मेरी गुजारिश है, हुकूमत इसका बदला जल्द से जल्द ले, ताकि हमारे और उन जो बेचारे शहीद हुए हैं। कल जो ये दहशत गर्दाना हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, इसकी हम लोग दिली तौर पर इसकी मजम्मत करते हैं और सख्त मजम्मत करते हैं। ये एक बहुत बड़ा हादसा है और बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। हम जो लोग शहीद हुए हैं उनके साथ भी मेरी दिली हमदर्दी है, उनके घर वालों के साथ भी है मेरी दिली हमदर्दी है। हम दुआ भी करते हैं कि उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र की तौफीक दे, और इस घटना से हम सबको तकलीफ़ है, ये बहुत बड़ी घटना है और इसकी हम लोग दिली तौर पर मजम्मत करते हैं। ये दहशतगर्द जितने भी हैं, ये इनका कोई मजहब धर्म नहीं होता है। अभी हमले पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। कल का हमला बेहद ही निंदनीय है, क्रूर है, और पाकिस्तान की ओर से एक कायराना हरकत है जो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। और समय आ गया है कि अब पाकिस्तान को ऐसे हमलों के लिए घेरा जाए और उसको उसकी ही भाषा में उसको इस तरीके का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। साथ ही मैं भारत की सरकार से ये कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वे 56 इंच के सीने की बात करते थे और वे ये कहते थे कि एक सर के बदले हम पाकिस्तान के 10 सर लेकर आएंगे। आज उनकी 56 इंच होना चाहिए था। और अभी हम कालपी से सफ़र करके आ रहे हैं, रास्ते में जो एटीट्यूड लोगों का था वो बड़ा अजीब था, और एक उससे क्रिमिनल माहौल जो है बन रहा है मुल्क का, और ये बहुत ख़तरनाक बात है, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदू सारे मिलकर के रहते आए हैं, सब लोग एक दूसरे के त्यौहारों में शिरकत करते हैं, सब एक दूसरे के आते जाते हैं, शादियों में एक दूसरे को बुलाते चलाते हैं, वैसे भी एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन इस तरह की जब कोई काम हो जाता है तो बहुत उसे नुकसान होता है। और हम तो समझते हैं हुकूमत को कुछ ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए, कुछ ऐसी पॉलिसियों को बना। इसमें जिन्होंने भी ये घटना करी है वो जिस भी मज़हब के हैं, और वो असल में जिस मज़हब के हैं वो उस मज़हब को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि कोई भी मज़हब कैसा भी हो वो इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि किसी को सताया जाए।